हाय एवरीवन, वेलकम टू साइंस अड्डा। और आज आप लोग के रिमांड पर, जैसा कि आप लोगों ने मेरे से बोला था कि मैम प्लीज वन शॉट कवर करवा दीजिए सारे चैप्टर्स के, तो मैं आप लोगों के लिए वन शॉट सीरीज स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो आपकी क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक के वन शॉट हम कवर करने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे एंड द नेम ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज द फर्स्ट लेसन इज द लास्ट लेसन। ये एक आयरनी भी है, पता है आपको? आप खुद सोचो ना, जहाँ पर आपको परसेप्शन और रियलिटी में डिफरेंस दिखाई देता है, बोलते नहीं है जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था वो हो गया, तो आप कभी सोच ही नहीं सकते कि आपका पहला चैप्टर आखिरी लेसन हो सकता है। बट यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? लास्ट लेसन है। अगर आपको कभी भी ऐसा दिया गया होता है फर्स्ट चैप्टर का नेम लास्ट लेसन, ठीक है ना, या आप ये बोलते हो पुलिस स्टेशन में चोरी हो गई, या आप ये बोलते हो फायर स्टेशन में आग लग गई, तो यहाँ पे परसेप्शन और रियलिटी का डिफरेंस दिखाई देता है और इसको आप क्या बोल सकते हो? आयरनी। सो इस चैप्टर के नेम में एक आयरनी है कि क्लास की बुक जो पढ़ रहे हो आप उसका पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। राइट नाउ दिस इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी हैं, एक है एमहामा और दूसरा है फ्रांस द स्कूल गोइंग बॉय, एंड ही इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी ऑल्सो। एक छोटा सा बच्चा है जो स्कूल जाता है, लेकिन उसे स्कूल जाना पसंद नहीं है क्योंकि वहां पर फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और वहां पर टीचर के नाम पर एमहामल है। एमहामल बहुत स्ट्रिक्ट है, तो उसे एमहामल का पढ़ाना समझ में नहीं आता और साथ ही साथ में उसे फ्रेंच लैंग्वेज भी बहुत बोरिंग लगती है। लेकिन लेटरली उसे पता चलता है कि उससे उसकी लैंग्वेज को दूर किया जा रहा है, फिर अचानक से उसको फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है, और जैसे ही उसको इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है वैसे ही उसे फील होता है नहीं 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 दिस इज समथिंग विच इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई हैव टू थिंक ऑफ इट। राइट, फिर उसे अचानक से फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने वाले टीचर भी अच्छे लगते हैं जो कि एमहामल है, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं इसलिए उन्हें पसंद नहीं करता है। लेकिन बाद में जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने इस स्कूल को 40 साल दिए हैं और वो अब आगे से नहीं पढ़ाएंगे, तो ये लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, साथ ही साथ में फ्रांस भी। तो उसे पता चलता है कि फ्रांस एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर विच इज रिटन बाय अल्फोंसो डॉडेट एंड लेट्स सी इन्होंने इसमें क्या क्या मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले विल लर्न अबाउट द ऑथर एंड विल लर्न अबाउट द चैप्टर। ओके, सो हमें क्या दिया गया? अल्फोंसो डॉडेट हु वाज बोर्न इन 1840 एंड डाइड इन 1897। अल्फोंसो डॉडेट जिनका जन्म 1840 में हुआ और उनकी मृत्यु 1897 में हुई, ठीक है ना, वो एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे और साथ ही साथ में एक शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे, मतलब ऐसे कंसिडर किया जाता है उनको। नाउ अगर आप लास्ट लेसन के बारे में बात करोगे तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो उस समय में सेट किया गया है जब फ्रांस और प्रशिया के बीच में एक जंग हो रही थी, युद्ध छिड़ा हुआ था और फ्रांस वॉर हार गया था, और यही वजह थी कि प्रशिया की डोमिनेंस थी वहां पर, और डोमिनेंस की वजह से फोर्सफुली ये बोला जा रहा था कि आज से जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं स्पेशली एल्सास एंड लॉरेन वहां पर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना। सो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ फ्रांको प्रशियन वॉर। फ्रांको रेफर्स टू फ्रांस और प्रशिया रेफर्स टू अ पार्ट ऑफ जर्मनी, ठीक है ना। अ पार्ट ऑफ जर्मनी क्या, मैं आपको ऐसे बोल सकती हूँ, प्रशिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, जर्मनी पोलैंड एंड पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया। सो जर्मनी पोलैंड और ऑस्ट्रिया दे वर द पार्ट ऑफ प्रशिया, है ना। तो प्रशिया जर्मनी को ही पहले आप लोग बुलाते थे और फ्रांस और जर्मनी के बीच में लड़ाई हो गई थी और यही वजह थी कि जर्मन लैंग्वेज की डोमिनेंस अब देखने के लिए आपको मिलेगी फ्रांस के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें। राइट, और ये टाइम है 1870 टू 1871 का, जहां पर फ्रांस को हरा दिया गया है प्रशिया के द्वारा, और समय प्रशिया को लीड कौन कर रहा था? बिस्मार्क। राइट, इन दिस स्टोरी द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट एल्सास एंड लॉरेन हैव पास्ड इनटू प्रशियन हैंड्स। तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको स्टोरी में बताई गई है वो क्या है? दो डिस्ट्रिक्ट कौन से मेंशन किए गए? एल्सास एंड लॉरेन। अब वो किसकी डोमिनेंस में है? जर्मनी की, है ना, प्रशियन हैंड्स में है वो, और वो अपने हिसाब से किसको चला रहे हैं? इन डिस्ट्रिक्ट को चला रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट के स्कूल को चला रहे हैं। राइट, तो स्टोरी शुरू होती है यहां से, बताया जाता है द नरेशन ऑफ द स्टोरी इज अ फ्रेंच बॉय। जो स्टोरी का नरेटर है वो एक लड़का है, एक स्कूल गोइंग बॉय है जिसका नाम है फ्रांस। फ्रांस को बताया जाता है कि वो बहुत ही लेजी है, बहुत डल है ना, बहुत मोनोटोनस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लेजी होने के अलावा उसे कुछ आता ही नहीं, उसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो जैसे कि उसे क्या पसंद है, उसे बहुत ही ज़्यादा खेलना पसंद है, और साथ ही साथ में ये भी बताया गया कि वो बहुत सेंसिटिव है नेचर का। जब उसे पता चलता है कि सब कुछ जा रहा है मेरे हाथ से तो वो इमोशनल हो जाता है, सैड हो जाता है। तो हो सकता है आपसे डायरी एंट्री लिखवाई जाए, आपसे बोला जाए एग्जाम में कि चलो लिखो, कंसिडर करो अपने आप को कि आप फ्रांस हो और आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हो वहाँ पर आपको एक स्पेसिफिक टीचर से पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, और आपको पता चलता है कि आपका स्कूल बंद होने वाला है और वो टीचर वहाँ पर नहीं पढ़ाएगा, तो आप एक डायरी एंट्री लिखो और अपनी फीलिंग्स को बोर आउट करो,
ठीक है ना, और आप भी फ्रांस की तरह एक इमोशनल सेंसिटिव बॉय हो, तो आप क्या लिखोगे अपने स्कूल के बारे में? तो ये आपका होमवर्क भी है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना है। कमेंट सेक्शन में अगर नहीं भी कर सकते हो तो आप मुझे मेरी मेल आईडी पर मेल करके अपने आंसर को भेज सकते हो। माई मेल आईडी इज rebecca.aga@thereadat247.com। अभी क्लास के एंड में मैं लिख भी दूंगी। नाउ लुक एट दिस, हाउएवर इन स्पाइट ऑफ हिज लेजीनेस फ्रांस लाइक्स टू प्ले एंड इज ऑफ सेंसिटिव नेचर। हालांकि जो फ्रांस है वो लेजी है, लेकिन फिर भी वो बहुत इनोसेंट है, बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही इमोशनल है। फ्रांस हेट्स हिज टीचर एमहाम। अभी एमहामल इज ऑल्सो अ प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी। प्रोटैगनिस्ट मतलब मेन हीरो ऑफ द स्टोरी। अगर आपको नहीं याद होता है ना प्रोटैगनिस्ट का मतलब, तो आप वो गाना याद कर लो, नायक नहीं खलनायक हूं मैं, राइट? तो प्रोटैगनिस्ट नहीं एंटैगनिस्ट हूं मैं। तो प्रोटैगनिस्ट हीरो ऑफ द स्टोरी, एंटैगनिस्ट विलन ऑफ द स्टोरी, राइट? तो एमहामल यहां पर दिखाए गए हैं उसको, ये भी मेन हीरो ऑफ द स्टोरी है, लेकिन ये थोड़े से स्ट्रिक्ट है, इसकी वजह से जो फ्रांस है वो इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। ही डजंट लाइक हिम, राइट? एंड हैज नो इंटरेस्ट इन स्टडीइंग फ्रेंच। और अगर कभी ऐसा होता है, सपोज आप किसी टीचर को पसंद नहीं करते हो, तो वो कुछ भी बोल दे, कुछ भी पढ़ा दे, कुछ भी एक्सप्लेन कर दे, आपको वो अच्छा नहीं लगता, यू फील बोर, आपको लगता है दिस इज नॉट माई टाइप, है ना? तो आपको फिर इंटरेस्ट भी आना बंद हो जाता है उसकी क्लास में। तो जनरली ऐसा होता है स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, कि वो मन लगाकर कहीं पर भी पढ़ नहीं सकते, उनको अगर टीचर इंटरेस्टिंग लगता है तभी वो पढ़ाई करते हैं। नाउ लुक एट दिस, एन ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ठीक है ना? After taking over the district of Alsace and Lorraine in France, the German language rather than the French should be taught in the school there. एक order आया, कहाँ से? Berlin से। Berlin is the part of Germany only, Prussia only, right? वहाँ से एक order आया था, और ये order कब आया है? ये तब आया है जब Prussia ने take over कर लिया है ना, सब कुछ अपने control में ले लिया है France का। तो France के जो district हैं Alsace और Lorraine, वहां के लिए एक ऑर्डर निकाला गया है, और साफ साफ बोला गया है कि जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है ना, फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाई नहीं जाएगी। तो अब पढ़ाया कहाँ जाता है? स्कूल्स में। तो जर्मनी की तरफ से साफ साफ ये ऑर्डर्स आ गए थे कि भैया देखिए, आज के बाद यहाँ के स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो जब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी तो फ्रांस क्या सोचेगा कि फ्रेंच लैंग्वेज का क्या काम है ना, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर का क्या काम होगा, है ना? तो जब लैंग्वेज नहीं, टीचर नहीं। फर्दरमोर इट इज द स्कूल फ्रेंच टीचर एमहामल्स लास्ट ईयर। तो इससे पता चलता है कि जब लैंग्वेज नहीं, लैंग्वेज टीचर नहीं, सपोज इंग्लिश खत्म हो जाए तो इंग्लिश टीचर का क्या काम, मैथ्स खत्म हो जाए तो मैथ्स टीचर का क्या काम। तो सिमिलरली अगर आपके यहाँ फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ानी बंद कर दी जाए तो फ्रेंच टीचर का क्या काम होगा। सो सिमिलरली एमहामल का वहां पर अब कोई काम नहीं था, और वो भी अब जाने वाले थे, वो एमहामल जिन्होंने 40 साल दिए स्कूल को। सोचो कितना अटैच हो जाते हो ना उस जगह से जहां पे आपने 40 साल दिए होते। तो एमहामल के साथ भी वही हुआ था। द टीचर हैज बीन वर्किंग देयर फॉर 20 इयर्स, मोर ओवर द टीचर हैज फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म। उस टीचर ने उस स्कूल को 40 साल दिए थे, और यही वजह थी कि 40 साल देने की वजह से वो बहुत अटैच्ड हो चुके थे उससे, है ना? और उनके अंदर सबसे बड़ी चीज ये थी कि वो देशभक्त थे। जब आपको अपने देश के टुवर्ड्स बहुत भक्ति होती है ना, बहुत पेट्रियोटिक होते हो ना, तो आपको हर एक एक चीज चुभती है। अगर आपके देश के साथ बुरा होता है तो कोई आपके देश पर अटैक कर दे आपको बुरा लगेगा, कोई आपके देश के लोगों को हर्ट करे आपको बुरा लगेगा, है ना? कोई आपके देश को बुरा बोले तो आपको बुरा लगेगा। सो जो भी पेट्रियोटिक लोग होते हैं उनके अंदर पेट्रियोटिज्म इतना भरा हुआ होता है कि वो अपने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकते। और फिर यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर तो फ्रांस के ऊपर पूरा पूरा कब्जा किया जा रहा था, किसके द्वारा? प्रशिया के द्वारा। अब आप समझ रहे हो ना, इट्स नॉट गुड, अच्छा नहीं है, ये कितना दुखी है ना फ्रांस। लेकिन ये आपको बाद में पता चलेगा, लेकिन एमहामल कितने दुखी है ये आपको समझ में आ रहा होगा। नाउ लुक एट दिस, ही इज ऑल्सो फुल ऑफ नॉस्टैल्जिया एंड ग्रीफ। नॉस्टैल्जिया का मतलब होता है व्हेन यू आर इन द स्वीट मेमोरीज ऑफ योर पास्ट। कितना अच्छा टाइम आपने गुजारा है किसी जगह पर, क्या क्या करते थे आप किसी जगह पर, है ना, कैसे टाइम अपना पूरा स्पेंड करते थे वहाँ पर, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्वियसली मिस्टर एमहामल जो है वो दुखी है, इज इन ग्रीफ, ग्रीफ का मतलब होता है दुख, और साथ ही साथ में वो नॉस्टैल्जिक भी है, मतलब पास्ट की मेमोरीज में खोए हुए हैं, पास्ट मेमोरीज में खोए हुए हैं कि कितना अच्छा समय था मैंने जो यहाँ पर गुजारा। The village men also attend his last lesson. अच्छा कुछ यूनिक और कुछ स्ट्रेंज आपको क्या लगेगा? वो लगेंगे आपको कुछ बूढ़े लोग, बूढ़े तो नहीं बोल सकते, हाँ एल्डरली पीपल बोल सकते हो, बड़े लोग,
ठीक है, लास्ट लेसन में आपको दिखाई देंगे एम हैमल के क्लासरूम में, और वो सबसे पीछे बैठे हुए हैं। शायद वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कभी फ्रेंच लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कभी ढंग से पढ़ाई क्यों नहीं करी, वो रिग्रेट कर रहे हैं कि काश अगर मैं अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को सीख लेता तो मैं किसी का गुलाम ना होता। तो ये जो विलेज मैन है ये भी क्या कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो अटेंडिंग द लास्ट लेसन, है ना। और इससे आपको एक क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपके हिसाब से ये जो विलेज मैन है या जो एल्डरली पीपल है, वाई आर दे अटेंडिंग द लेक्चर, क्योंकि वो ऑनर करना चाहते हैं महामिल को, कि उन्होंने इतना सारा समय दिया, वो ऑनर करना चाहते हैं अपनी लैंग्वेज को, कि वो लैंग्वेज जिसकी उन्होंने किसी भी तरीके से रिस्पेक्ट नहीं करी वो कितनी इंपॉर्टेंट थी। तो एक तो वो रिग्रेट कर रहे हैं और दूसरा वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं जाते जाते अपनी लैंग्वेज को, कि नहीं कितनी इंपॉर्टेंट थी। जैसे होता नहीं है हम भले ही जिंदगी में किसी से ना मिले लेकिन उसकी अंतिम यात्रा में जरूर शामिल हो जाते हैं, क्योंकि हम उसे रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं कि हम उसकी इज्जत करते थे, राइट। नेक्स्ट, द विलेज इज रिग्रेटिंग एंड सैड दैट दे डिडंट लर्न देयर मदर टंग इन देयर चाइल्डहुड। तो पहली चीज तो वो लास्ट लेसन लेने इसलिए भी आए हैं क्योंकि वो रिस्पेक्ट पे करना चाहते हैं महामिल को, और दूसरा वो जो लोग हैं वो रिग्रेट भी कर रहे हैं, रिग्रेट का मतलब होता है पछताना, कि उन्होंने अपनी मदर टंग को कभी भी सीखा नहीं अपने बचपन में। सो वो बहुत दुखी हैं इस चीज को लेकर के। लुक एट दिस, फ्रांस रिसीव्स अ बिग शॉक व्हेन ही लर्न्स दैट दिस इज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अब फ्रांस जब स्कूल के अंदर एंटर करता है तो वो बहुत ही परेशान है। एक्चुअली जब फ्रांस स्कूल आ रहा था तो वो स्कूल आने में थोड़ा लेट हो गया था, तो उसने बुलेटिन बोर्ड पे भीड़ देखी थी और वो थोड़ा सा शौक था क्योंकि बुलेटिन बोर्ड पे हमेशा से ही बुरी न्यूज़ आती थी, राइट। तो उसको लगता है कि ज़रूर इस बार भी कोई बुरी न्यूज़ आई होगी, लेकिन फिर भी फ्रांस को लगता है कि उसको स्कूल जाने में देरी हो रही है, तो वो भागते 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 जाता है। तो उसको ना एक आदमी मिलता है, वो कहता है कि कहाँ चले जा रहे हो, अभी बहुत टाइम है, राइट। तो फिर वो पहुंचता है क्योंकि वो डरा हुआ होता है, वो हीड नहीं पे करना चाह रहा होता। अच्छा उसे लेट होता क्यों है, क्योंकि वो अपने आसपास के नज़ारे देखने में बिजी हो जाता है, उसको बहुत सारी चीज़ें आसपास दिखाई दे रही होती हैं रास्ते में, जिसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और फिर वो भूल जाता है कि उसकी क्लास भी है ना। तो जब वो क्लासरूम के अंदर एंटर करता है उसे लगता है संडे, क्यों, क्योंकि रोज जो शोर शराबा होता था वो उसको वहां पर नहीं दिखाई देता है। शोर शराबा कैसा होता था, शोर शराबा जैसे डेस्क के खुलने बंद होने का, एमहामिल के रूलर के बार बार पटकने का, ठीक है, और बच्चों के लेसन रिपीट होने का। तो ये तीन साउंड्स वहां पर हमेशा आती रहती। तो जब फ्रांस एंटर करता है और उसको लगता है कि शोर शराबा होगा तो वो चुपचाप कोने से निकल करके बैठ जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा और एमहामिल उसे डांटेंगे भी नहीं, लेकिन क्योंकि क्लास बहुत शांत होता है और एमहामिल देख लेते हैं उसे आते हुए, तो हम हामिल से डांटते नहीं है क्योंकि हम हामिल का आखिरी दिन है, तो वो बहुत ही पोलाइट है। वो कहते हैं कि आओ फ्रांस बैठो, तुमने देर कर दी, है ना। और फिर वहां पर फ्रांस को पता चलता है कि आज हम हामिल का आखिरी लेसन है, आज उसकी फ्रेंच लैंग्वेज का आखिरी लेसन है। तो उसके लिए ये जो वर्ड्स थे वो एक थंडर बोल्ट जैसे थे, जैसे कि उसको बहुत बड़ा धक्का लग गया हो। क्या मैं अब कभी भी फ्रेंच लैंग्वेज नहीं सीख पाऊंगा, क्या मैं अब कभी भी एक अच्छा लिंग्विस्टिक नहीं बन पाऊंगा अपनी लैंग्वेज को जानने वाला, क्या अब मुझे महामिल कभी नहीं पढ़ाएंगे। तो सब लोगों को लगता है कि आखिर ये शॉक्ड क्यों है, जबकि इसने तो कभी इस चीज को पसंद ही नहीं किया फ्रेंच लैंग्वेज को, और ना ही अपने टीचर को, तो अब क्यों। तो होता है जब आप किसी चीज को खो रहे होते हो ना, तभी आपको उसका एहसास होता है। ही इज शॉक्ड बिकॉज ही डजंट नो फ्रेंच। वो शॉक्ड इसलिए था क्योंकि उसे तो फ्रेंच आती भी नहीं। वो कहता अरे अभी तो मैंने फ्रेंच का एफ भी नहीं सीखा था और फ्रेंच लैंग्वेज मुझसे दूर हो रही है, मैं क्या करूँ अब। फॉर द मोर ऑन लर्निंग अबाउट द लेसन, सडन इंटरेस्ट अराइजेज इन हिम फॉर इंग्लिश। देखो मैं इंग्लिश टीचर हूँ ना, तो मुझे इंग्लिश पढ़ने में आ रहा फॉर लर्निंग फ्रेंच। कहता है पता नहीं कैसे जब आपसे कोई चीज़ बहुत दूर जा रही होती है ना, तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है उससे रिलेटेड, आपको सब अच्छी अच्छी चीज़ें याद आने लगती हैं, आप सब बुरी चीज़ें भूल जाते हो, है ना। तो वही चीज़ हो रही थी, वो शौक था क्योंकि उसे फ्रेंच नहीं आती थी, लेकिन हाँ अचानक से जब एमहामिल लास्ट लेसन पढ़ा रहे थे उसे लग रहा था ओ माय गॉड इतनी इंटरेस्टिंग है फ्रेंच लैंग्वेज, ओ माय गॉड एमहामिल इतना अच्छा पढ़ाते हैं, उसे अचानक से सब कुछ अच्छा लगने लगा था, फ्रेंच लैंग्वेज अच्छी लगने लगी थी, उसका बहुत अच्छा मन हो रहा था कि वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख ले, लेकिन अफसोस वो फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं सकता था, राइट ना। मोर ओवर ही पेज अ केयरफुल अटेंशन एंड लर्न्स एवरीथिंग टॉट ऑन हिज लास्ट डे। और तो और फ्रांस ने एक अच्छे बच्चे की तरह उस दिन बहुत ध्यान से पढ़ा और सब कुछ बहुत अच्छे से लर्न किया और सीखा अपने आखिरी दिन। इंस्टेंटली स्पर ये हो रहा है यहाँ पर, वो ही डेवलप्स लाइकिंग फॉर द टीचर एमहामिल। उसे नहीं पता कैसे वो एमहामिल जो उसे कभी भी अच्छे नहीं लगे, अचानक से वो इतने प्यारे लगने लगे थे, इतने अडोरेबल कि कितना अच्छा पढ़ाते हैं ये। हिज फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड फॉर हिम सडनली केम टू एन एंड। जो उसके मन में नफरत थी
किसके लिए? हमल के लिए. वो अचानक से ख़त्म हो गई, ठीक है ना. मोर ओवर फ्रांस डेवलप रिस्पेक्ट फॉर द हार्ड वर्क एंड सिंसियरिटी ऑफ हिज टीचर. और तो और फ्रांस ने क्या डेवलप किया? रिस्पेक्ट डेवलप करी, ठीक है ना. किस चीज़ के लिए? हार्ड वर्क के लिए, सिंसियरिटी के लिए, जो कि उनके टीचर ने पिछले 40 साल में अपने स्कूल के लिए दी थी. तो पता नहीं कैसे, लेकिन फ्रांस को हमल अच्छे लगने लगे थे. वो उनकी रिस्पेक्ट करने लगा था क्योंकि वो बहुत सिंसियर और बहुत ही हार्डवर्किंग टीचर थे. नाउ फ्रांस इज सैड एंड अशेम्ड फॉर बीइंग अनेबल टू रिसाइट हिज लेसन. अब हमल कहते हैं चलो पार्टिसिपल सुनाओ. तो पार्टिसिपल, जैसे हमारे इंग्लिश में चैप्टर होता है पार्टिसिपल का, वैसे ही आपकी फ्रेंच लैंग्वेज में भी कोई चैप्टर हो सकता है पार्टिसिपल का. तो पार्टिसिपल का चैप्टर हमल ने होमवर्क में दिया होता है बच्चों को लर्न करके आने के लिए. लेकिन जब हमल फ्रेंच से बोलते हैं चलो पार्टिसिपल सुनाओ, तो उसे पार्टिसिपल नहीं आता होता है. तो वो बहुत दुखी भी हो जाता है और बहुत शर्मिंदा होता है कि मैंने क्यों नहीं पढ़ा पार्टिसिपल. मैं पढ़ सकता था, मैं उसे याद कर सकता था और मुझे वो आना चाहिए था. बट अनफॉर्चुनेटली उसे वो नहीं आता है. एम हामल एक्सप्लेन्स दैट दे ऑल आर इट फॉल्ट फॉर लैकिंग ईगरनेस टू लर्न. एम हामल दुखी हो जाते हैं, कहते हैं देखो तुमने पार्टिसिपल नहीं लर्न किया. इवन हम सब गलत हैं, है ना. तुम सब गलत हो, इवन मैं भी गलत हूँ, ठीक है ना. हम सब लोग गलत रास्ते पर चल रहे हैं और यही वजह है कि आज हमारा फ्रांस प्रशिया के कब्जे में है. क्योंकि हमारे अंदर आतुरता नहीं है, ईगरनेस नहीं है, ठीक है. हम लोग क्यूरियस नहीं है, हम लोग विलिंग नहीं है कि हमको जाने सीखें और समझे. अगर हम हमारी लैंग्वेज के मालिक होते तो शायद आज हमें कोई दबा नहीं पाता, कोई ऑप्रेस नहीं कर पाता और आज कोई हमें डोमिनेट ना कर रहा होता, ठीक है ना. तो यहाँ पर आपको लिंग्विस्टिक शोविनिज्म के बारे में बताया गया है. लिंग्विस्टिक शोविनिज्म का मतलब ये होता है कि आपको अपनी चीज़ बहुत प्यारी लगे. तो हम अमल कहते हैं देखो तुम लोग गलत कर रहे हो, तुमने अपनी लैंग्वेज नहीं सीखी और आज देखो फ्रेंच प्रशिया के कब्जे में. और पढ़ो अब जर्मन, क्योंकि अब आप लोग फ्रेंच नहीं पढ़ सकते क्योंकि फ्रांस का अपना कुछ अस्तित्व रहा ही नहीं. फॉर द मोर ही ऑल्सो इंक्लूड हिमसेल्फ इन दिस फॉल्ट. वो कहते हैं मेरी भी गलती है, जब मुझे तुम लोग को पढ़ाना होता था तो मैं तुम लोग को पानी डालने के लिए बोल देता था प्लांट्स को, और कभी कभी मैं तुम लोग को छुट्टी दे देता था किसी काम के लिए. तो वो अपने आप को खुद भी गलत कहते हैं कि शायद मेरे अंदर ही कमी रही होगी कि मैंने तुम लोग को ढंग से नहीं पढ़ाया. ही ब्लेम्स हिमसेल्फ फॉर लैक ऑफ सिंसियरिटी. उनको लगता है कि उन्होंने कहीं ना कहीं सिंसियरली अपना पार्टिसिपेशन नहीं दिया आप लोगों को फ्रेंच लैंग्वेज सिखाने में. देयर इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ हिज पेट्रियोटिज्म इन हिज प्रेज फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज. लेकिन वो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता फ्रेंच लैंग्वेज बहुत प्यारी है, बहुत खूबसूरत है, है ना, और दुनिया की सबसे प्यारी लैंग्वेज है. इस हिसाब से पता चलता है कि हमल बहुत ही ज़्यादा देशभक्त टाइप के इंसान हैं, इसीलिए उन्हें अपनी चीज़ों से प्यार है, अपनी लैंग्वेज से प्यार है, है ना. तो मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर आपको शोविनिज्म दिखाया गया है लैंग्वेज को लेकर के, अपने नेशन को लेकर के. तो वो हमल के अंदर साफ साफ झलक रहा है जब वो ये बोलते हैं कि दुनिया की सबसे खूबसूरत लैंग्वेज कौन सी है? फ्रेंच लैंग्वेज. ना ही सेज दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट लॉजिकल एंड ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. इससे ज़्यादा लॉजिकल और इससे ज़्यादा ब्यूटीफुल लैंग्वेज आज तक कोई बनी ही नहीं है. अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कितनी खूबसूरत लैंग्वेज है. राइट, नेक्स्ट. इट सीम्स दैट हमल गॉट इमोशनल ऑन दिस ओकेजन. अब हमल सारा काम करवाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, आखिरी दिन उनको वर्क करवाते हैं वो, और फिर लग रहा होता है वो बहुत दुखी हैं. इज वेरी वेरी इमोशनल. आप सोचो, इमेजिन कर, जब आप एक दिन दो दिन रह लेते हो किसी के साथ तो आपका अटैचमेंट हो जाता है. तो सोचो अगर आप किसी को 40 साल दो तो आप इमोशनल नहीं होंगे? होंगे. तो हमल यहाँ पर बहुत इमोशनल है, बहुत. आखिरी दिन है, आखिरी क्लास है उनकी, जिसको उसने 40 साल दिए. 14 to 365, डू इट. हाँ, कितना बड़ा टाइम है. फॉर द मोर ही आज द क्लास टू गार्ड देयर लैंग्वेज. फिर वो कहते हैं देखो तुम ही लोग हो द यूथ, और तुम ही लोगों को इस लैंग्वेज को क्या करना है? सेफ गार्ड करना है, बचाना है. ही सेज दैट बीइंग क्लोज टू वन्स लैंग्वेज इज अ वे टू एस्केप द क्लचेस ऑफ स्लेवरी. फिर वो कहते हैं कि अगर तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें बांध रहा है और उसने तुम्हें लॉक कर दिया है, तो तुम्हारी लैंग्वेज ही तुम्हारे लिए वो चाबी बनती है जिससे तुम अपने बंधन का ताला खोल सकते हो और बाहर आ सकते हो. तो कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर एक हिडन वर्ड भी है. अगर आपको बात करने का तरीका पता है, अगर आपको पता है कि आप लोगों से कैसे इंटरेक्ट करें, कैसे कॉन्वर्जेशन करें, कैसे आप अपनी बात रखें, ठीक है ना, अपनी लैंग्वेज में, तो फिर आप किसी भी जंग को जीत सकते हैं. और अगर आपने अपनी लैंग्वेज ढंग से सीखी होती तो आपने आप बात करने का तरीका सीखा होता, और अगर आपने बात करने का तरीका सीखा होता तो शायद कभी ना ये युद्ध होता और ना कभी आज
आपको कोई डोमिनेट कर रहा होता, आप ना किसी के अंडर कंट्रोल होते, ठीक है। तो एमहामल कहते हैं कि तुम लोगों को अपनी लैंग्वेज को सेफगार्ड करना है, क्योंकि तुम ही हो वो जो हमें प्रशिया की डोमिनेंस से बचा सकते हो, है ना, और हमें इस बंधन से दूर लेकर के जा सकते हो। Now he says that being close to one's language is a way to escape the clutches of slavery. Slavery का मतलब होता है गुलामी। गुलामी के बंधन से अगर बचना है तो अपनी लैंग्वेज के बहुत क्लोज रहो। The language will assist them in attaining freedom from the Germans. अगर आपके पास अपनी लैंग्वेज होगी तो वो आपको हेल्प करेगी कि आप जर्मन के बंधन से दूर रह सकते हो। The people realize the significance of their mother tongue. फिर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं उनको ये एहसास होता है कि उनकी मदर टंग कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और आपको ये चैप्टर बहुत ही खूबसूरती से ये रिफ्लेक्ट करता है, ये बताता है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी को भी अपनी लैंग्वेज को लर्न करना, ठीक है ना। सो फॉर एनी रेस, एनी कास्ट, एनी क्रीड, एनी कल्चर, सबके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी लैंग्वेज को समझें, उसको इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि वो उनके लिए क्रूशियल है और उन्हें उनको बचाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। आई होप कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैंने आप लोगों को बोला था कि जाते जाते मैं आपको अपनी मेल आईडी दूंगी, तो आप लोगों ने मुझे होमवर्क करके देना है ना, डायरी एंट्री लिख करके देनी है। आप सर्च करेंगे ना डायरी एंट्री बाय रुबेका मैम, तो आपको मिल जाएगा पूरा एक सेशन उसके ऊपर, ठीक है, @mei47.com। तो आप सभी लोग मुझे क्या करेंगे, एक डायरी एंट्री लिख करके देंगे, अपने आप को फ्रैन समझ करके। आपने डेट डालनी है, आपने टाइम डालना है, और लिखना शुरू करना है कि आप फ्रैंस हो और आप ऐसे सिचुएशन को फेस कर रहे हो, आप बहुत इमोशनल हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है और आप क्या सोचते हो कि आप अगर बड़े हो जाओगे तब क्या करोगे। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद द सेशन। लेकिन जाते जाते आप सभी लोगों को बता दूं, बेटा पहले तो लेट मी से अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू एवरीबडी। बहुत अच्छे से आप दिवाली मनाइएगा, लेकिन दिवाली के पटाखों में, दिवाली के चकाचौंध में कहीं ये भूल मत जाइएगा कि आपके लिए पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली क्लास ट्वेल्थ के लिए। अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बच्चे हो बेटा, तो आपके लिए साल बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो साल है जो कि आपको आपके सक्सेस की तरफ ले जा सकता है, है ना। क्योंकि आप ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर आप या तो नीट की कर रहे होगे, या तो आप जेई की कर रहे होगे, है ना, या फिर आप किसकी कर रहे होगे, ट्वेल्थ की। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, तो आप ऑल कोर्सेज में जाना, यूजी पीजी एग्जाम्स में जाना, बल्कि आप के ट्वेल्थ सेक्शन में जाओ, तो आप के ट्वेल्थ सेक्शन में जाना, अपने ट्वेल्थ के सेक्शन में चले जाना, ठीक है। ट्वेल्थ में देखोगे आप, आपके पास दो बैजेस हैं, संभव, और दूसरा बैच है आपका क्या, आपका संभव बैच, और उसके अलावा उड़ान बैच। तो अगर आप CUET की प्रिपरेशन साथ में कल करके चल रहे हो, तो आप उड़ान बैच लो, और अगर आप ट्वेल्थ की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आप संभव बैच लो। तो अगर आप ये बैच लेना चाहते हो, आपको उसमें क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करोगे आपको ये बैच 3999 का दिखाई देगा, बट अगर आप कोड यूज़ करोगे Y484, तो आपको ये बैच बहुत ही कम कॉस्ट में मिल जाएगा, और सिर्फ दिवाली के चलते इसमें आपको मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा रहा है। Y484 कोड यूज़ करेंगे आप, तो आपको ये बैच सिर्फ और सिर्फ 3759 रुपीज़ का मिल जाएगा। हैव दिस बैच, मजे करो मेहनत करके, ठीक है ना। इसमें आपको दो लैंग्वेजेस, चार डोमेन्स और एक जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करवा दी जाएगी, और ट्वेल्थ के साथ साथ आपको यहाँ पर CUET भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। इसमें आपको लाइव सेशंस, रिकॉर्डेड सेशंस, टीचर्स हैंड रिटन PDF नोट, डेली प्रैक्टिस पेपर्स, डाउट सेशंस, काउंसलिंग सेशंस भी मिलते रहेंगे। तो आपका एक फुल फ्लेज्ड बैच है, जो कि आपको कंप्लीट प्रिपरेशन में मदद करने वाला है अपने CUET प्लस ट्वेल्थ। सो विद दिस लेट मी जस्ट एंड विद इट, विल मीट अगेन, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।